साथियों अस्सलाम वालेकुम। जो ये वीडियो में आप देख रहे हैं, इलाका देख रहे हैं, ये है जी दूध पथरी का रोड है। और अभी तक अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम है, उन्होंने अभी तक भी इस रोड को खुला नहीं छोड़ा है ट्रैफिक के लिए। अभी तक भी वहाँ पे जो है बर्फ़ नहीं उठाई गई है। अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इतना इम्पॉर्टेंट रोड, जिसका बहुत ही इम्पॉर्टेंस है टूरिज़्म के हवाले से, अभी तक भी यह है। तकरीबन आज हो गए तकरीबन 6 दिन जब से बर्फ़ गिरी है। आज है जी 13th of January। ये वीडियो 13 जनवरी को लिया गया है, दूध पथरी के बिल्कुल जो इसका बाहर का गेट है रैयार के पास, वहाँ से लिया गया है। और अभी तक भी 6 दिनों से अभी तक भी इस रोड से बर्फ़ नहीं उठाई गई, जिसकी वजह से जितने भी टूरिस्ट हमारे हैं सब जा रहे हैं गुलमर्ग की तरफ, और गुलमर्ग चौक हो चुका है। हमको चाहिए, हमारी सरकार को चाहिए कि वो डिकंजस्ट करे गुलमर्ग को, और बाकी जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जैसे यूसमर्ग है, दूध पथरी है, सोनमर्ग है, उसकी तरह हमको टूरिस्टों को करना चाहिए डाइवर्ट। मगर जब सरकार जो है एडमिनिस्ट्रेशन जब वहाँ रोड ही नहीं खोलेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम ने यहाँ पर नई स्नो कटर मशीन लाई, परसों यूसमर्ग में उन्होंने काम किया, बट क्या वजह है कि यहाँ पे नहीं आ रही है। हम चाहेंगे कि दूध पथरी का रोड जल्द से जल्द खोला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।